हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके अभी के चैनल वेलकम्स यू वंस अगेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम करंट टॉपिक्स दैट टू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। हियर यू कैन सी दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपके लिए तैयार करके रखा गया है। अब ये जो करंट के मुद्दे हैं उनको बारी बारी से इन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, दो पिंड निकाय में उन पांच बिंदुओं को क्या कहते हैं जहां दोनों पिंडों द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है या निरस्त कर देता है। दोस्तों देखिए, दो दो बॉडी वाला या दो सेलेस्टियल बॉडी वाला जो सिस्टम होता है दोस्तों, मान लीजिए दो निकाय हैं जिसमें एक मान लीजिए सूरज है और एक धरती है, तो इन दोनों के द्वारा जो है एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, हम सभी को पता है। तो इन दोनों ही निकायों, इन दोनों ही बॉडी के द्वारा जो एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है दोस्तों, वो किसी न किसी बिंदु पर जो है एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। यानी कि दोनों के द्वारा लगने वाले गुरुत्व बल किसी पॉइंट पर बराबर हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे पांच बिंदु होते हैं जिन्हें हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये आंसर होगा इसका लैग्रेंज पॉइंट या लैग्रेंज बिंदु। इसे L से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। ये लैग्रेंज एक गणितज्ञ थे जिनके नाम पर इस का नाम पड़ा हुआ है दोस्तों। अब देखिए, इसे समझ लेते हैं हम। ये हमारा सूरज और ये मान लीजिए हमारी धरती, तो इन दोनों के बीच ऐसे पांच पॉइंट होते हैं दोस्तों जहां पर ये घटना होती है, गुरुत्व बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इन्हीं को ही हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ये लैग्रेंज पॉइंट यहां इन दोनों के बीच में, धरती के पीछे, सूरज के पीछे और यहां पर भी होते हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए, एक दो तीन चार और पांच लैग्रेंज पॉइंट हुआ करते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनाव करने की बात चल रही है, इस पर चर्चा चल रही है। इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया था संसद का और इस पर एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, उच्च स्तरीय कमेटी। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति, हाई लेवल कमिटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, यह सवाल है दोस्तों। इसके लिए एक समिति गठित की गई है और यह समिति जो है 8 सदस्यों वाली रहेगी, 8 सदस्यीय समिति है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, सवाल यह है, इसका जवाब चलिए ढूंढते हैं। इसका जवाब है दोस्तों रामनाथ कोविंद। जी हां, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इस हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों। ये 8 सदस्यीय समिति है। आठ सदस्य होंगे इसके और इनके अध्यक्ष रहेंगे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 14वें नंबर के ये हमारे राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। इसके अलावा इसमें जो समिति के सदस्य हैं उसमें मुख्य सदस्यों में जो है हमारे जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो भी होंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव
के उम्मीदवार के रूप में किस भारतीय अमरीकी का नाम चर्चा में है। देखिए दोस्तों, अभी अखबारों में अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव काफी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल शिप जो है बहुत बड़ी पदवी मानी जाती है, और इसलिए ये चुनाव जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो इसमें भारतीय मूल के व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा योगदान अमेरिका में देखने के लिए मिलता है। इंडियन डायस्पोरा काफ़ी वहाँ जो है प्रभावशील रहती है। तो ऐसे ही एक अमेरिकी भारतीय व्यक्ति हैं जो इस चुनाव में जो है उम्मीदवार हैं अमेरिकी प्रेसिडेंशियल शिप के लिए। तो वो कौन है दोस्तों? तो इसका जवाब है दोस्तों, विवेक गणेश रामस्वामी। विवेक गणेशन रामास्वामी। जी हाँ, ये अमेरिका में ही जन्मे व्यक्ति हैं, एक बिजनेसमैन हैं जो फिलहाल जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार हैं। और ये जो है ट्रंप की ही जो पार्टी है रिपब्लिक पार्टी, उसी से दावेदारी कर रहे हैं दोस्तों। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पढ़ने के बाद आगे देखिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारतीय सौर वेधशाला यानी कि इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदु के चारों ओर की कक्षा में स्थापित होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी भारत ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। इसरो ने जो है आउटर स्पेस में एक सौर वेधशाला छोड़ी है, सोलर ऑब्जर्वेटरी छोड़ी है, जिसके माध्यम से जो है सूरज के बाह्य क्षेत्र का अध्ययन लगातार किया जाएगा। आने वाले 5 सालों तक वो इसका अध्ययन करते रहेगा। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, जरा सोच के देखिए। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा, उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 बिंदु के कारण L1 इसके नाम पर जोड़ा गया है दोस्तों। आदित्य का मतलब संस्कृत में सूरज होता है और L1 का अर्थ लैग्रेंज पॉइंट होता है दोस्तों। तो ये L1 लैग्रेंज पॉइंट पर ये ऑब्जर्वेटरी घूमती रहेगी, इसके L1 के चारों ओर ये घूमती रहेगी, एक हेलो पथ पे घूमेगी, हेलो ऑर्बिट पे घूमेगी, इसीलिए इसको आदित्य L1 कहा गया है। ये देख पा रहे हैं आप, ये L1 पॉइंट है दोस्तों। ये L1 पॉइंट जो है सूरज और धरती के बीच होगी, धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। तो ये हो गई हमारी भारतीय सौर वेधशाला। और इस प्रकार से आउटर स्पेस पर सोलर वेधशाला या सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने का ये जो भारत का जो है बहुत ही पहला मौका था। भारत की इससे पहले कोई आउटर स्पेस पे सोलर ऑब्जर्वेटरी नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तमिल मूल के थर्मन सन्मुगरत्नम, थर्मन सन्मुगरत्नम ये व्यक्ति हैं, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में एक व्यक्ति हैं, जैसा फिर से इंडियन डायस्पोरा जो है विश्व के हर क्षेत्र में जो है, हर देश में जो है बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा है दोस्तों। इंडियन डायस्पोरा के लोग जो हैं, भारतीय मूल के लोग जो हैं, विश्व के अलग अलग देशों में जो है राष्ट्राध्यक्ष तक के पदों पर उम्मीदवारी कर रहे हैं और वहां पहुंच भी रहे हैं दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार का उदाहरण ये देखने के लिए मिलता है थर्मन सन्मुग रत्नम के उदाहरण में दोस्तों। तो ये जो तमिल मूल के व्यक्ति हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए हैं।
जरा सोचिए दोस्तों। देखिए मैं बताता हूं इसे, ये है सिंगापुर। इसका जवाब है सिंगापुर। जिन्होंने सही सोचा उनके लिए तालियां। और जो नहीं सोच पाए सही सही, उन्हें तो यहां बताया ही जा रहा है, वो क्लास को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से सीखते चले जाएंगे। तो सिंगापुर जो एक काफी विकसित राष्ट्र माना जाता है, काफी प्रॉस्परस कंट्री माना जाता है, उस में ये जो है हमारे थर्मन सन्मुगरत्नम जो है यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में आ चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस स्थान पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है? जी हाँ, हाल ही में चंद्रयान 3 भी भारत ने छोड़ा है और इसने इतिहास रच दिया। इसरो के माध्यम से, इसरो के वैज्ञानिकों ने इस चंद्रयान 3 में जो चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो सॉफ्ट लैंडिंग कराई, उसके कारण जो है भारत माता का जो सर है वो गर्व से एक बार फिर से ऊंचा हो गया है दोस्तों। तो देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग कहां पर कराई गई, इस पर क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त 2023 के दिन जो सॉफ्ट लैंडिंग करता है चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, उस पॉइंट का विशेष नाम है शिव शक्ति। पॉइंट या शिव शक्ति स्थल, यह शिव शक्ति स्थल है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब। देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई देश जो है सफल सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाई थी दोस्तों, लेकिन इसरो ने इसे कर दिखाया 23 अगस्त 2023 के दिन सॉफ्ट लैंडिंग उसने करा ही दिया अपने लैंडर विक्रम का। इससे पहले इस रेस में जो है रशिया का लूना 5 भी चल रहा था दोस्तों, जो कुछ दिन पहले ही चंद्रमा की लैंडिंग के कुछ दिन पहले ही वहां पर क्रैश हो गया। तो इसके पश्चात ये हो गया चंद्रयान 3 के क्वेश्चन के पश्चात अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमः 108 नामक कमल पुष्प, कमल का फूल की खोज किस भारतीय राज्य में की गई थी? तो देखिए दोस्तों, अभी एक फूल की चर्चा हुई अखबारों में, जिसका नाम नमः या नमोह 108 रखा गया है। क्यों? नमः का अर्थ होता है संस्कृत में सैल्यूटेशन, एक सैल्यूटेशन के लिए नमः बोला जाता है, तो यानी नमस्कार, नमस्कार। एक तो ये जो फूल है, कमल का फूल है, इसकी खासियत क्या होती है पहले समझ लेते हैं। दरअसल इस कमल के फूल में 108 पंखुड़ियां होती हैं दोस्तों। इसके पेटल्स जो होते हैं लगभग 108 होते हैं। ठीक है, ये कमल का फूल जो है 108 पेटल्स वाला है, इसीलिए इसका नाम नमोह 108 रखा गया है। तो जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसमें 108 को जो है काफी अच्छा अंक माना जाता है, जो सनातन धर्म है उसके दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा इस पंखुड़ी वाले, 108 पंखुड़ी वाले कमल से कुछ वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं, जैसे इत्र है, और इसके रेशे से भी कुछ उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। तो ये जो कमल का फूल है 108 पंखुड़ियों वाला, वो सबसे पहले
किस राज्य में खोजा गया था, सवाल ये है। इसका जवाब है मणिपुर। जी हाँ, वही मणिपुर जहां पर अभी हिंसा मणिपुर की हुई है, जोरों से है और काफी दिनों से जो है अखबार में सुर्खियां बटोर रही हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर ही वह राज्य है जिससे ये कमल फूल बिलोंग करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक सेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।